तो गाइस बज रहे हैं रात के 2:00 कितने हो रहे थे, 2:09। तो रमज़ान की आखिरी शब और फिर ये मुबारक महीना अब 1 साल बाद आएगा, मिला भी या नहीं भी मिला पता नहीं। पिछली बार तो बैठे थे एतकाफ़ पे, इस बार नहीं बैठ पाए, अब इंशाल्लाह अगली साल ज़रूर बैठेंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर बैठेंगे, क्यों नहीं। और इसी के साथ आप सब लोग जैसे रमज़ानों में इबादत करते रहे हैं, रमज़ानों में जैसे अपने नफ्स पे कंट्रोल किया है, जैसे अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल किया है, वैसे ही अपने नफ्स पे, अपनी ज़ुबान पे और हर चीज़ पे पूरे साल कंट्रोल करें। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें एहतियात से और खुश रहें, और जितना ज़्यादा नमाज़ पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए ही बेहतर है। हमारा तो है ही भाई, हम तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप भी पढ़ोगे तो और ज़्यादा बेहतर है, आपको उसका अजर व सवाब ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के पास ख़जाने बहुत हैं, बस आपको मांगने की देर है। उसे सच्चे दिल से मांगो, सच्चे दिल से उसे, अल्लाह के पास चीज़ें बहुत हैं, बस सही तरीके से उसको पाने की कोशिश करो, वो सब कुछ देता है। इसी के साथ अमजद भाई का और हमारे सैफ भाई का एतकाफ पूरा होता हुआ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ईद का चांद नज़र आ गया। तो हम जाने मस्जिद से सीधा घर, घर वालों के देखेंगे क्या क्या रिएक्शन रहता है। तो यहाँ पर सैफ भाई को अपने अलविदा बोल दिया, वो जा रहे हैं अपने घर, उसके बाद फिर अमजद भाई जाएंगे अपने घर, फिर हम दोनों जाएंगे अपने घर, कुल मिला के सब घर ही जाएंगे। भाई साहब मैं जमालपुर घूमने गए, इतना ज़बरदस्त क्राउड देखने के बाद मैंने कहा तेरी इतनी गर्मी में ये लोग घूम कैसे गए, लेकिन मज़ा काफ़ी आता है गर्मी में। काफ़ी घूमने के बाद मैं लेने गया था थोड़ा सा सामान, लेते वक्त मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली, और फिर उसके बाद मैंने कहीं और जाने का प्लान बनाया। तो अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे से कबूतरों को सुबह ही सुबह पानी के अंदर नहाते हुए देख काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये नमाज़ से पहले नहीं, नमाज के बाद में आराम से नहा रहे थे, गुसल कर रहे थे, ये भी शायद ईदगाह जा रहे थे कि वहाँ जाके नमाज़ अदा कर आएंगे, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे छोटे छोटे, काफ़ी मज़ा आ रहा था।